क्यूट, बहुत प्यारी है। थैंक यू थैंक यू। पप्पे कुटनी कहाँ फंस गया? ताहिरान बोला तो ये व्लॉग है। This is me, Malaika Shehnanam. This is me, Malaika Tehran, who is so welcome back to the another vlog. क्या चल रहा है? Vlog start किया है? हाँ, subscribe करने का बोला दोस्तों को। अभी तो start किया है। अच्छा। जाहिर है वो तो करेंगे। हम back to back vlogs बना रहे हैं सिर्फ इनकी वजह से। आपकी वजह से guys, और Malaika भी देखें कितना साथ दे रही है मेरा, मेरी वाइफ। और क्या, वो तो मुझे देना है। बस बस तो आज के व्लॉग कुछ ये है। आज के व्लॉग में हम आप सबको क्या बताएंगे, कमेंट्स जो आप सबने हमें कमेंट्स किए थे, तो आज हम कमेंट्स रीड करके बताएंगे। भाई चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। वैसे मैं अभी आई थी, तो जब मैं आती हूँ तो जाहिर व्लॉग होता है, लेकिन आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो गाइस मलाइका ने जैसे कि स्टार्टअप कर दिया, तो सब्सक्राइब करो चैनल पे। और आज का जो व्लॉग है वो है कमेंट्स पढ़ेंगे हम लोग। और यहाँ जैनी और सकीना, ये लोग आज भी बैठे हुए हैं यहीं पे। जैनी, जैनी का तो फॉगी गुम हो गया ना यार। गाइस हमारा फॉगी बिल्ला जैनी बहुत उदास हो गई है। 3 दिन से फॉगी शॉर्ट है मार्केट से। फॉगी तो पता है चोरी हो गया। अच्छा, yes. तो नहीं था। आपको किसी को मिले गोल्डन कलर का प्यारा सा बिल्ला, ब्लैक बेल्ट वाला, तो प्लीज हमें रापता करें और हमारे घर उसको पहुंचा दें। गाइस कमेंट में बता देना, ठीक है? ये पहुंच जाएगी। तो गाइस अभी है कि आप कमेंट से याद आया, हम कमेंट्स पढ़ने वाले थे व्लॉग के। जो लास्ट व्लॉग आप लोगों ने बहुत कमेंट्स बताए, तो उसके ऊपर व्लॉग करते हैं। हाँ तो गाइस फाइनली व्लॉग आ गया, जिसका आपने डिमांड की थी कमेंट्स के ऊपर। कमेंट्स पे हम व्लॉग बनाए, तो हमने फैसला किया है हम वीक में एक व्लॉग कमेंट्स पे लाजमी बनाएंगे। तो अभी हम लोगों ने, रोमैसा और सकीना ने बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के सिलेक्ट किए हैं लिस्ट बना के, और उन कमेंट्स को वो नाम लेके जो कमेंट जिन्होंने किया है, चाहे वो कोई लड़की हो लड़का हो, वो कमेंट यहाँ पे वो रीड करेगी और उस कमेंट को हम लोग डिफाइन करेंगे। अभी मजे आ रहे हैं आंटी को, इनके झगड़े देख के बाद में सर पे चढ़ के नाचेगी, बहुत ज्यादा तेज है आंटी का। अभी इतना फ्री ना करे, तैरान को थोड़ी शर्म आनी चाहिए। बहन से तंज से बात कर रही है तैरान, रोके उल्ले भाई यार। गाइस ऐसा कोई सीन ही नहीं है, ये हम लोग तो जस्ट फन कर रहे थे। और नॉर्मली ये लोग, सच बता रहा हूँ, ये लोग नॉर्मली ऐसे बात कर रहे थे। क्यों सकीना? हाँ, ऐसा ही है। क्यों रूम ऐसा? हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। साथ बैठे हैं सामने ये लोग, हम दोनों फ्रेंड्स हैं, ऐसी बात कर सकते हैं। इस चीज को आप लोग इतना फील ना करें, क्योंकि देखो हर किसी के व्लॉग्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। बहुत सारे डेली व्लॉगर थे, वो अलग तरीके से करते हैं, हम लोगों का कॉन्सेप्ट अलग होता है। सेकंड, हाँ, एजुकेटर ऑनलाइन 4134 मलाइका तो अभी से बोलने लगी है, हम तो शादी के 1 साल तक ससुराल नंदो के सामने मुंह बंद रहता था। ओले भाई, क्या पहली बात तो मैंने ससुराल को ससुराल समझा ही नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ से प्यार ही इतना मिला है। मम्मा पापा ने मुझे, मतलब यहाँ से बिल्कुल भी डॉली सकीना के साथ नंद वाला तो बिहेवियर है नहीं। जो बात है, अब हम तीनों बहन है फ्रेंड्स हैं, कुछ भी है, लेकिन भाई आप सब जो समझ रहे हैं वो समझते रहो। ये तीनों बहनों की तरह रहते हैं गाइस, और जाहिर सी बात है ये इनकी भाभी है और नंदे हैं हम, लेकिन हम लोग बिल्कुल, ये लोग ऐसे रहती हैं बहनों की तरह। Q2RC6JN पता नहीं क्या। तैरान भाई, आप खुशखबरी कब सुना रहे हो? शादी की खुशखबरी। अच्छा, शादी की खुशखबरी। इंशाल्लाह गाइस, शादी, वलीमा मेहंदी, 3 खुशखबरी आपको बहुत जल्द मिलेंगी इंशाल्लाह। बिंटन बिंटन क्या? बिंटन बिंटन मलाइका के पर निकल आए हैं निकाह के बाद, लेकिन सगी बेटी की जगह बहू कभी नहीं ले सकती। बेटी बेटी होती है, बहू बहू होती है, दोनों की अलग अलग जगह है और अलग अलग मोहब्बत है। नहीं यार, मैं इस चीज को नहीं मानता। देखो बेटियां जो होती हैं वो भी पराई होती हैं, और आपका घर जो होता है वो बहुओं से ही चलता है। अब बेटियां, देखो बहनें मेरी हैं, वो आज हैं, कल वो अपने ससुराल चली जाएंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बहनों की मोहब्बत हमारे लिए कम है और मेरी बेगम की ज़्यादा। नहीं भाई, दोनों इक्वल है। बहनों की एक अपनी मोहब्बत होती है, बेगम की एक अपनी मोहब्बत होती है। मलाइका का एक अलग दर्जा है, रोमैसा सकीना इन लोगों का अलग दर्जा है, और ये आपस में दोस्तों की तरह रहती हैं, और मैं फ़र्क नहीं रखता, सब कुछ इक्वल चलता हुआ आ रहा है।
जो चीज़ इसकी है वो चीज़ उसकी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बेगम के लिए इंपॉर्टेंट होती है तो वो बेगम को आपने प्रोवाइड करनी है। बहनों के लिए कुछ अलग होता है तो वहाँ पे बहनों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ये चीजें ये जरूरी हैं। इसी बात पे पॉपकॉर्न खाते हैं। मम्मा पॉपकॉर्न लेकर आएंगे। अनब्रांडेड ड्रेसेस हाल फशी 3 2 1 2। मलाइका अगर रुखसती के बाद आती सुशांत तो ज्यादा अच्छा होता। अगर इतना ही जल्दी थी मलाइका को तो निकाह के बाद साथ ही आ जाती। निकाह के बाद साथ तो आई थी, मतलब साथ ही आ जाती। परमानेंट गाइस यकीन करो चाहते हो मैं भी ऐसा लगी बस बात सुने हो नहीं सकता यार। हमारी दुनिया के अंदर एक रिवाज बना दिया हम लोगों ने कि रुखसती क्या बना दिया रिवाज वो जरूरी हो गया। दुनिया ही भी बनाई भी कुछ रस्में वो हमें निभानी पड़ेगी, वरना बेसिकली हमारे इस्लाम में तो निकाह है उसके बाद आप लोग आप बेगम को ले जाओ, लेकिन फिर भी हम दुनिया की रस्म भी निभाएंगे और निकाह भी हम मैंने कर लिया है तो रुखसती भी करेंगे, वलीमा भी करेंगे, मेहंदी भी करेंगे। चलो नेक्स्ट कमेंट। मगर उसकी वजह है, वजह बताइए कि हमारी बिया आएगी ना अमेरिका से। मेन वजह तो ये गाइस, मेरी एक बहन आपको मैंने फर्स्ट निकाह के ब्लॉग में बताया होगा जिसको मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, अमेरिका में बैठी हुई है। अब मेरी शादी मैं तब करूँगा जब मेरी बहन आएगी। सुन लिया तुमने? आज आप लोग इनकी लड़ाई पे हंस रहे हो, कल तो बड़ी 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 लड़ाइयां होंगी। कोशिश करें अभी समझाएं मलाइका को भी, बड़ी है बड़ापन दिखाए बड़ी बच्चियों को, अभी इतना कुछ बोल रही है। मलाइका बहुत छोटी है रोमैथा से, 3 साल एयर डिफरेंस इन लोगों के बीच, तो मलाइका और मेरे बीच 8 साल का डिफरेंस है। आपने इससे पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा, मैंने बताया मेरे लव स्टोरी वाले ब्लॉग में, तो इस चीज़ को कोई इतना सीरियस बदले वो अभी छोटी है और उसको टाइम लगेगा मैच्योर होने में, हो रही है वो धीरे धीरे, अभी कॉलेज में आई है, वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह सेट हो जाएगी, इस चीज़ को इतना सीरियस ना लें। बाकी ये कि आप लोगों के प्यार का और कमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। मज़े करें 6 8 5 मलाइका इज़ ओवर, डॉली स्वीट, यार लव योर स्माइल। ये भी यार रुमैसा का बोल रहे हो, मलाइका क्या मतलब, मलाइका अच्छी नहीं है यार, ऐसा बोलोगे? बोला तो है मलाइका इज ओवर, बोला है भाई। वाह भाई के दिल पे लग रहे गाइस, इतनी बुराइयां नहीं करें उनके गाइस। गाइस ये बहन है देखो, मैं तुम्हारे साथ मिलके मेरी और मेरी वाइफ की मजाक उड़ा रही है, देख रहे हो गाइस? हुमैरा बैड, हुमैरा बड़ी हुई, हुमैरा आंटी हुई, हुमैरा आंटी है तो ठीक है। क्या है ज़ीनिया, ज़ीनिया अब्बासी ऑफिशियल, Malaika is very clever. Really? Really? How do you know? How do you know? Yeah, ye log popcorn khaye hai, mere bhi muh mein pani aa raha hai guys. Story 2255. Yaar Malaika itni bhi buri nahi hai. I think Dolly khud start kar rahi hai. This is not fair. Kyun Dolly? Kyun kiya aapne start Dolly? Malaika tum batao, kya kiya maine? Dersal baat ye hai, baat किसी ने भी स्टार्ट नहीं किया। वन ऑफ माय फेवरेट कमेंट व्हिच इज फ्रॉम खुशबख्तावान, मलाइका सो क्लेवर एंड पप्पी कुटनी कहां फंस गया? ताहिरान आप कहां फंस गए? सबसे पहले तो ताहिरान गौरी नाम है गाइस, प्रोनाउंस सही करें। और व्हाट पप्पी कुटनी क्या होता है गाइस? आपने इतना प्यारा नाम बताया पप्पी कुटनी, अच्छा नाम नहीं पता लेकिन वाइब बड़ी अच्छी आ रही है। पप्पी कुटनी, पप्पी कुटनी पप्पी वाला ना, इसकी मीनिंग तो पूछ लो पहले कोई अगर। हाँ। यार गाली वाली तो नहीं है ना भाई, बता दो पहले ही। हाँ। क्योंकि डॉली बोलने लग गई है मलाइका भाभी को। चलो क्यूट से हम यहाँ में ना कुटनी को क्यूट ही मान लेंगे। पप्पी क्यूटी, पप्पी क्यूटी, पप्पी क्यूटी, पप्पी क्यूटी मलाइका। 3 FY 8 Z नो वर्ड, enjoying your vlog and nand bhabhi nand bhabhi series kisi ne to enjoy kiya gaya hamara vlog aap enjoy kya kare uske alawa kuch aur nahi kare hum se zyada serious log le lete hain aksha khan 7301 malaika is not innocent they showing their real face jo wo hai bravo malaika ne aise nahi samjha tha tumhe गाइस जैसे समझा वैसे ही समझ लो सही।
अच्छा नहीं गाइस, मेरी भाभी बहुत क्यूट और स्वीट और इनोसेंट है। अच्छा आर कॉलेज क्वीन मलाइका क्वीन कांग्रेचुलेशंस तायरान भाई, शी सो क्यूट माशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह। तो अब मलाइका डॉली बेचारी के पीछे ही पड़ गई है। नहीं यार ऐसी बात नहीं है गाइस, कहाँ पीछे पड़ गई है, आपस में एक दूसरे के आगे पीछे भाग रही होती है। ये किसने, ये इसका नाम पढ़ के बताओ, मैंने तो पढ़ा ही नहीं इसका नाम। पढ़ो। पॉपकॉर्न खा ली गाइस। ये कमेंट किया है औसाफ काजी ने, मलाइका और मैसा दोनों बस व्यूअर्स के को खुश करने के लिए ऐसे फेक फाइट कर रही हैं, वरना दोनों बहुत क्यूट हैं और मैसा ज्यादा क्यूट है। इसकी शर्मा देखो। ज़ेरा जाफ़ी 1104 यही आगे पीछे की लड़की होगी, दोस्त होगी कोई नहीं मेरी। कौन सी दोस्त? ज़ेरा जाफ़ी स्कूल की होगी कोई नहीं। शाहिद 2391, मलाइका पहले कम बोलती थी अब बोलना शुरू किया है, अच्छा लगता है। रमेशा और मलाइका दोनों की नोक झोंक, अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे। आमीन। थैंक यू फॉर द पॉजिटिव कमेंट। _YY सकीना और रमेशा बहुत अच्छी हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। कुछ तो मेरा कमेंट आया, मुझे तो कोई भाव ही नहीं देता। अय्यूब लाला, अय्यूब लाला, अय्यूब लाला, अय्यूब लाला, अय्यूब। मलाइका तो बहुत तेज है। ऑफ कोर्स बहुत तेज है भाई, सही है। होना भी चाहिए। शक्ल से मासूम है। हमें भी अच्छा लग रहा है नंद भाभी का प्यार वाला झगड़ा। क्यूट क्यूपल, 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 हाँ क्यूपल ही लिखा है। क्यूट क्यूपल, क्यूट फैमिली, आप सब हनेशा, हनेशा खुश रहो। रुमेशा सो क्यूट, बहुत प्यारी है। थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपको मुझ पे शक है कि मैंने सही नहीं पढ़ा था, आप देख सकते हैं यही लिखा है। टाइपिंग मिस्टेक गाइस। रुमेशा अच्छा, महम बेग 769, पहले तो इस मलाइका की आवाज ही निकलती थी, अब तो कुछ ज्यादा ओवर हो गई है, कैची की तरह जुबान चल रहे लग गई है। कोई बात नहीं। क्या बोल रहे हैं ये? बस यार और भी है। और एक इंटरेस्टिंग कमेंट रहेगा। हां हां गाइस, तुम लोग सबसे प्यारा कमेंट, माय वन ऑफ माय अनदर फेवरेट कमेंट, माय बैड है ना, माय अनदर फेवरेट कमेंट। मिया भाई 10446, सिस्टर नॉट गुड, निकाह फंस गए, ब्रदर वाइफ कम होम, यू फाइट। आप इंग्लिश सीख ले पहले जाके भाई। ऐसे नहीं बोल रहे, सिस्टर नॉट गुड, ब्रदर भाभी कम, यू फाइट। सिस्टर नॉट गुड, निकाह फंस गए, ब्रदर वाइफ कम होम, यू फाइट। लेकिन भाई देखो, मैं भी अब मेरे दोस्त मीठी चूड़ी वाला हो गया क्या? देखो आपकी बात मैं बिल्कुल समझ गया हूँ, क्योंकि आपने बात बोली ना बहुत मुश्किल इंग्लिश में बोली, और मैं मुश्किल इंग्लिश बहुत इजीली समझ जाता हूँ। तो ये हम समझ गए क्यों मनाएगा। तो नया कमेंट है, इट्स जीना 577, बड़ी मिली है मलाइका। और सबसे मिला सही पहचान है मैं तो रे। ऐसे नहीं बोलते गाइस, बुरी बात है गाइस, गालियां नहीं देते, दिस इज नॉट फेयर। बहुत अच्छा नहीं लगा मुझे, और इस तरीके के कमेंट्स को, इस तरीके के कमेंट्स को रीड नहीं करना चाहिए वैसे। हां हां गाइस, बुरी बात है, गाली नहीं देते, बुरी बात। आपने मीसनी बोला, आप बताए मीसनी का मतलब क्या है? अच्छा मीसनी का मतलब किसी को पता हो तो कमेंट में जरूर बताना। एक पप्पी, पप्पी कुटनी, पप्पी कुटनी, और मीठी चूड़ी का भी बताएगा, मीठी चूड़ी। ये तीन कमेंट, मीठी चूड़ी, पिसनी और पप्पी कुटनी। मीसनी, मीसनी गाइस, तीन बट बहुत क्यूट है, क्यूट है। हमें पता नहीं है कि गाली है क्या, पप्पी कुटनी, पप्पी कुटनी। तो आप इसका मतलब हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हमें पता चले कि गाली तो नहीं है, बट आप इसको बोलेंगे खुद ही। अरे भाई सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें इसके ब्लॉग पर, और ये भी बताएं कमेंट करके कि इन लोगों की शरारतें कैसी लगती हैं आपको, और नेक्स्ट ब्लॉग कौन सा चाहिए आप लोग। ओके गाइस, नेक्स्ट ब्लॉग सब्सक्राइब करते हैं लोग यहाँ पे एंड, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिएगा, इन लोग का ऐसे चलता रहेगा, इन लोग रहता है इनका। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग।